हाय फ्रेंड्स, दिव्यज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पंकज राय। आज की वीडियो का विषय है मूल अधिकार। हमारे संविधान में आम आदमी के हितों की सुरक्षा के लिए मूल अधिकार की व्यवस्था की गई है। इस मूल अधिकार को मौलिक अधिकार भी कहते हैं, मौलिक अधिकार। तो जनता को प्रदत्त जो अधिकार हैं, उनके हितों की रक्षा हेतु उन अधिकारों को ही मूल अधिकार कहा जाता है, इनको मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है ये कॉन्सेप्ट। इसे मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले ब्रिटेन में वहां के जो राजशाहियों द्वारा वहां के मजदूरों को कुछ अधिकार दिए गए थे, जिन्हें मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा वाला जो कॉन्सेप्ट है, मैग्ना कार्टा, ये कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से लिया गया है। मूल अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि राजशाहियों द्वारा पहले मजदूरों को कुछ अधिकार दिए गए थे, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। तो वो कॉन्सेप्ट हमारे संविधान में भी वहां से लिया गया, लेकिन मूल अधिकार वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये मौलिक अधिकार, ये तो पूरा का पूरा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखिए, हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकारों की बात कही गई, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 में एक अधिकार, जिसे हम संपत्ति का अधिकार कहते हैं, उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, तो वह अधिकार घट गया। तो कुल मिलाकर के अब 6 मौलिक अधिकार या मूल अधिकार हैं। वे कौन कौन से हैं देख लीजिए। समता, या हम उसको कह सकते हैं कि समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, नेक्स्ट चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक यौन शिक्षा संबंधी अधिकार, छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये जो मूल अधिकार है वो अनुच्छेद संख्या 15 से लेकर के 35 के बीच में रखे गए हैं। तो अनुच्छेद संख्या 12 से लेकर के, क्षमा करें, अनुच्छेद संख्या 12 से लेकर के 35 तक ये मौलिक अधिकारों की बात संविधान में कही गई है। तो आइए एक एक करके जान लेते हैं। अनुच्छेद संख्या 14 से लेकर के 18 के बीच में समता और समानता का अधिकार बताया गया है।
19 से लेकर के 22 तक यह स्वतंत्रता के अधिकार की बात कही गई है। इसके बारे में अनुच्छेद संख्या 19 से लेकर के 22 तक इस स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में सारी बातें बताई गई है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वह अनुच्छेद संख्या 23 और 24 में बताया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 25 से लेकर के 28 तक, अनुच्छेद संख्या 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार ये अनुच्छेद संख्या 29 और 30 में बताया गया है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद संख्या 32 में बताया गया है इसके बारे में। तो ये जो 6 मूल अधिकार हैं, इसके अलावा एक अधिकार और था जो संपत्ति का अधिकार था, जिसको 44वें संवैधानिक संशोधन जो 1978 में हुआ था उसके तहत उसको अब कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया है। तो वह मूल अधिकारों की लिस्ट से निकल चुका है। तो यहां एक प्रश्न बनता है कि मूल संविधान में कितने अधिकारों की बात की गई है, तो आप कहेंगे कि मूल संविधान में 7 अधिकारों की बात की गई है। कौन से मूल अधिकार को अब मूल अधिकार नहीं माना जाता, तो आप कहेंगे कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से निकाल दिया गया है। किस संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकाल करके कानूनी अधिकार बना दिया गया, तो आप कहेंगे 44वें संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो एक प्रश्न यहां और बन सकता है कि 44वां संवैधानिक संशोधन जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, यह कब हुआ था? तो आप लिखेंगे 1978 में। फिर अगला प्रश्न बनेगा कि वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, तो आप लिखेंगे वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। अब एक एक करके भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि समता या समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है, ऑप्शन कुछ दे सकता है। तो उसमें याद रहे कि समता और समानता का अधिकार अनुच्छेद संख्या 14 से लेकर के 18 तक में दिया गया है। अगला प्रश्न हो सकता है स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत समाहित किया गया है, तो आप लिखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद संख्या 19 से लेकर के 22 तक में समाहित किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार को किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो आप लिखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार को 23 से 24 अनुच्छेद संख्या में डाला गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद संख्या 25 से लेकर के 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार की बात किन अनुच्छेदों में की गई है, तो याद रखिए अनुच्छेद संख्या 19 और 30 में। फिर कहा जाएगा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो अनुच्छेद संख्या 32 में। मूल अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो मूल अधिकारों की व्यवस्था को अमेरिका के संविधान यानी यूएसए के संविधान से लिया गया है। एक प्रश्न हो सकता है कि मूल अधिकारों को किस नाम से जाना जाता है, तो मूल अधिकारों को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। तो ये थे मूल अधिकार और इनसे संबंधित अनुच्छेद। अब अगले पार्ट में मैं एक एक अनुच्छेद एक एक मूल अधिकार को डिटेल में बताऊंगा। तो कृपा करके इस पार्ट के अलावा जो इसके बाद आएगा मूल अधिकार से रिलेटेड दूसरा पार्ट, उसको जरूर देखिए ताकि मूल अधिकार जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये अच्छी तरह से क्लियर हो सके। मैं समझता हूं आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आप इसे सच में पसंद किए हैं
तो इसे लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। अगली वीडियो में इसके मूल अधिकार के अगले पार्ट को लेकर के मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।